के लाल चले, कौन चले भाई कौन चले, भारत माँ के लाल चले। राम जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। स्वागत है जी, स्वागत है राम जी का स्वागत है। कौन चले भाई कौन चले, भारत माँ के लाल चले। कौन चले भाई कौन चले, भारत माँ के लाल चले। जैसे ही माननीय मंत्री महोदय हमारे मध्य यहाँ मंचासीन होंगे, उपस्थित लोगों से आग्रह रहेगा तालियों की कातल ध्वनि के साथ मंत्री महोदय का। राज्य मंत्री परमादरणीय महोदय, भारत रत्न से विभूषित देश के पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 144वीं, पूरे देश में जो रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इसी परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ हमें मंच पर उपस्थित हैं और यहाँ उपस्थित सभी स्कूलों के बच्चे, प्रबुद्ध जनता और मीडिया के हमारे जितने भी सहयोगी। जिस महान शख्सियत ने देश को एकजुट किया, 562 से ज़्यादा रियासतों का विलयकरण भारत में हुआ, उनके नाम पर भारत के कोने कोने में रन फॉर यूनिटी का आज कार्यक्रम किया गया है। सरदार पटेल एक ऐसी शख्सियत थे जो न केवल देश के पहले गृह मंत्री थे, बल्कि देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए जो भारत की नींव रखी है वो इतनी मजबूत है कि हजारों डायलेक्ट्स बोलियां होने के बावजूद भी, कई राज्य होने के बावजूद भी, पहाड़ों से समुद्र, रेगिस्तान से लेकर दुर्गम क्षेत्रों तक, फिर भी देश एकजुट है तिरंगे के नीचे। इसकी नींव किसने रखी तो सरदार पटेल ने रखी, और इसलिए देश उनको आज याद करता है। इसलिए उनके नाम पर दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर का बनाया गया। यही कारण है कि देश के हर जिले में आज रन फॉर यूनिटी में लाखों युवाओं ने भाग लिया है, ये संदेश देने के लिए कि सरदार का नारा था देश को एकजुट करने का, इस देश को एकजुट भी करेंगे, एकता अखंडता भी बनाए रखेंगे और देश को आगे ले जाने का काम भी आज की पीढ़ी करेगी। मैं आज से लगभग 10 दिन पहले एचआरडी मंत्री से मिला था, और जब मिला था तो उनसे बहुत सारी चर्चाएं भी, जिसको सही स्थान पर रखना था वहां पर रखा गया है। केवल मीडिया की खबरों में सुर्खियां बनने के लिए नहीं, एक संस्था को बचाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे, लेकिन कानून नियम जो बने हैं उसके बहुत सारी बाधाएं रहती हैं, उनके चलते क्या क्या हो सकता, क्या क्या संभव है, वो हमने कभी उसको राजनीतिक रूप से लाभ उठाने का काम नहीं किया, लेकिन सरकार के ध्यान में जो बातें आनी चाहिए थी वो हमने मिलकर 10 दिन पहले उनके ध्यान में वो लाए भी हैं, और आगे उन पर क्या क्या कार्रवाई हो उस दिशा में सरकार काम भी करेगी। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के कमेंट्स मांगे थे कि 50-50% जो भागीदारी होगी उसमें हिमाचल सरकार को अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए कहा था। हिमाचल सरकार ने अपने बात कही है कि जो वित्तीय स्थिति है उसके अनुसार हिमाचल सरकार 50% हिस्सा जो है वो खर्चा नहीं कर पाएगी। सर, महाराष्ट्र में चुनावों के बाद गठबंधन बन, हमने हरियाणा में भी सरकार बनाई, कल मैं दिल्ली में था, आज मैं आकर यहाँ पर कह सकता हूँ महाराष्ट्र में भी हम शीघ्र सरकार बनाने जा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के साथ मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। फंडिंग की कमी कही जा रही है, निश्चित तौर पर जो अधिकारी हैं उनको कहा भी गया कि अब बरसातें खत्म हो गई, इसके रखरखाव के लिए
आधा हिस्सा नदौन तक का रिपेयर हुआ, जो बाकी आधा हिस्सा है उसमें विलंब ना हो, जो दिक्कतें उनको टेक्निकल है उसको दूर करके इसको ठीक किया जाए।